आई होप आप सभी को डेरिवेटिव्स के फर्स्ट प्रिंसिपल का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब एक कंसेप्ट टेस्ट करते हैं। इसमें हमें एक फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू 100 और हमें डेरिवेटिव्स के फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हेयर एंड टेक 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव के फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग f(x) का ये फॉर्मूला होता है, या फिर किसी भी फंक्शन fx के डेरिवेटिव को फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। अब इसके लिए हमें fx पता होना चाहिए और f(x+h) पता होना चाहिए। सो fx तो गिवन है 100। अब हम f(x+h) की बात करें तो देख सकते हैं कि जो फंक्शन है वह एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो x के किसी भी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू हमेशा 100 ही रहेगी। दैट मींस f(x+h) की भी वैल्यू 100 ही रहेगी। तो इन सभी वैल्यूज को जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें f(x) की वैल्यू 0 के इक्वल मिलेगी। दैट मींस जो हमें फंक्शन गिवन था f(x=100) उसका डेरिवेटिव हमें 0 मिला है। इसे हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। जो फंक्शन है f(x=100) उसे हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि y=100। अब यदि हम y=100 को ड्रॉ करें तो वह ये स्ट्रेट लाइन होगी। हम पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव होता है dy/dx जो कि होता है चेंज इन y/चेंज इन x। हम ग्राफ से क्लियरली देख सकते हैं कि x के किसी भी वैल्यू के लिए y में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स चेंज इन y है वह 0 के इक्वल है। इसीलिए हमें dy/dx या फिर f(x) की वैल्यू 0 मिली थी। यदि हमें कोई फंक्शन इस तरह का गिवन हो कि f(x=any constant तो उसके लिए हमेशा ही उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, क्योंकि उसमें सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा। दैट मीन्स हम यहां से कह सकते हैं कि किसी भी कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है।